नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है, और हो भी क्यों ना। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसने हर किसी को चौंका दिया है। नतीजा, सपा को 3 की जगह 2 राज्यसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विधान परिषद की जिन 13 सीटों पर अब चुनाव होना है, उसका गणित तो काफी सिंपल है। 29 सीटों के वोटों के हिसाब से 10 सीटें बीजेपी के खाते में है और 3 सपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दल बदलने का सिलसिला तो चल ही रहा है। कोई पार्टी द्वारा दरकिनार किए जाने का बहाना दे रहा है, तो कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी बदल रहा है। इससे ये शंका पैदा हो जाती है कि क्या वोटिंग के दिन यानी 21 मार्च को भी कुछ नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज को टटोलेंगे क्या? समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगी दलों को गंवाने के बाद अब अपने साथी विधायकों का भी पूर्ण सहयोग आखिर क्यों नहीं मिल रहा? विधान परिषद के चुनाव के जरिए राजनीतिक दल अपने अपने गोल सेट करने में तो लगे हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। पार्टी की फितरत बन गई है क्रॉस वोटिंग। जब चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया से होता है, तब आप विधायकों को खरीद फरोश करके क्या दिखाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जनता वोट देती है, विधायक चुन करके आते हैं, विधायक जो है MLC को वोट करते हैं, तो आने वाले समय में फिर जनता को विश्वास नहीं रहेगा अपने वोटिंग पर। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का कृत्य कर रही है, ये पूर्णतः निराधार है, और निश्चित तौर पे जनता जवाब जरूर देगी। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण पार्टी नेतृत्व के अनुशासन का अक्षरशः पालन करते हैं। रहा समाजवादी पार्टी का सवाल कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉसिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका जवाब तो श्रीमान अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके जो नेता हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, वो पूरी तरह से अनुशासित है, और सभी माननीय विधायक पार्टी के निर्देश पर वोट करें। परिषद के 13 सीटों पर चुनाव होना 21 मार्च को, 11 तक नामांकन भरे जाएंगे, 14 तक नामांकन वापसी है, और अगर 14 तक नामांकन वापसी तक अगर 10 और 3 का ही मसला रहता है, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, मामला वोटिंग तक पहुंचाएगा ही नहीं। लेकिन अगर मामला वोटिंग तक पहुंचता है, तो वहां पर मामला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर क्या एक बार फिर से जो हश हमने राज्यसभा में देखा, जिस तरह का हो, क्या वैसा ही कुछ मुकाबला एक बार फिर से MLC के चुनाव में देखने को मिलेगा, या ये एक साधारण चुनाव रहेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से राजेश सिंह, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाचस्पति द्विवेदी, हमारे साथ कांग्रेस से अजीत यादव समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी, आप ही के पास आना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि साधारण तौर पर जब हम विधान परिषद के चुनाव की बात करते हैं, तो चर्चा इस बात पर होती है कि उम्मीदवार किन को बनाया जा रहा है, गठबंधन काफ़ी सारे रहते हैं, तो सहयोगी दलों के किन नेताओं को वरीयता दी जा रही है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी चर्चा ये भी हो रही है कि क्या अभी भी गुंजाइश है कि MLC चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर अभी भी कई ऐसे नेता है जो नाराज चल रहे हैं पार्टी के स्टैंड को लेकर, पार्टी के बयानों को लेकर? क्या किसी तरह की नाराजगी है, या यूं कहें कि जैसा समाजवादी पार्टी कहती है कि भैया हमने कुछ नहीं किया, सामने वाली पार्टी जो है लालच देती है, और उसी के चलते हमारे जो नेता, जो पैकेज वर्ड का यूज किया अखिलेश यादव जी ने, कि कुछ पैकेज दिए जा रहे हैं जिसके लालच में आकर हमारे नेता जो है वो अपना पाला बदल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बात आपने अभी कही, उसमें पूरी पूरी गुंजाइश है कि पार्टी इस विधान परिषद के चुनाव में भी टूटेगी और क्रॉस वोटिंग भी होगी। जिस तरह से पिछली बार 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, और उसमें एक बात जो नई सामने आई थी कि पल्लवी पटेल ने स्पष्ट रूप से सारी मीडिया के सामने एक बात कही थी कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रही हूँ, मैंने PDA को वोट दिया है। और अखिलेश यादव जी की अगर बात करें, उनके हिसाब से पल्लवी पटेल को जो वोट देना था वो रंजन साहब को देना था, लेकिन उन्होंने उनको न देके सीधा सीधा रामजीलाल सुमन साहब को वोट दिया, आलोक रंजन जी को वोट नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है उनकी नाराजगी है, उनके वोट को अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जल्दबाजी होगी कहने, लेकिन निश्चित रूप से इसमें वोटों में क्रॉस वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात जो आपको हम बता दें
कि 2017 से लेके अब तक अखिलेश यादव ने जितने भी गठबंधन किए सारे गठबंधन वो नहीं चला पाए और टूट गए वो गठबंधन। इसी तरह पार्टी की हालत है कि पार्टी भी बड़े पैमाने पे टूट रही है। समाजवादी पार्टी जब से बनी तब तक इतनी बुरे हालत में कभी नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में रही सरकार, कभी भी समाजवादी पार्टी के इतने बड़े पैमाने पे विधायक नहीं टूटे। इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता में निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी है, इसलिए लोग वहां टूट के जा रहे हैं। नीरज जी, मेरा एक सवाल है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा है, अभी राज्यसभा चुनाव में हमने देखा 13 सीटों का जिस तरह से चुनाव हुआ और क्रॉस वोटिंग हुई, अब एमएलसी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, हालांकि आंकड़े काफी स्पष्ट है कि किसके पास कितनी सीट जाएगी, दोनों के पास प्रॉपर नंबर्स हैं, लेकिन अगर वोटिंग होती है और उसमें भी अगर क्या दो तीन विधायक अगर इधर उधर वोट कर देते हैं तो क्या ये कोशिश है बीजेपी की कि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके, जिसका लाभ वो एक मनोवैज्ञानिक लाभ लोकसभा में ले सके, क्या ये रणनीति है? बिल्कुल, देखिए टोटल मिला के 13 सीटों पे चुनाव होना है विधान परिषद की, जिसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्रॉस वोटिंग होती है या ये तो बाद का मुद्दा आएगा, लेकिन हम एक चीज आपको स्पष्ट कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी अब तक जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें 10 की जगह 11 प्रत्याशी उतारेगी, जैसा उन्होंने राज्यसभा चुनाव में किया था, और 11वें प्रत्याशी को जिताने के लिए वो क्रॉस वोटिंग कराएंगे। और निश्चित रूप से जो 7 लोग जो क्रॉस वोटिंग किए थे वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है, और उन्हीं के माध्यम से या सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके सीधे संपर्क में और भी विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि धनबल और बाहुबल वाले जो जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, उनकी मजबूरी है कि सरकार के खिलाफ नहीं ज्यादा दिन चल सकते, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कतई नहीं गिर रहा है, बराबर दिन पे दिन बढ़ रहा है, और इसके लिए उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता के साथ जाए। अब वो अखिलेश यादव उसको पीपी कह दे, जैसा एक बैलेट पेपर पे लिखा हुआ था कि कोने में कि पीपी पार्ट पेमेंट, तो वो सब चीजें अलग बात है, लेकिन क्रॉस वोटिंग होगी इसमें कोई दोराय नहीं है, और अखिलेश यादव फिर राज्यसभा की तरह 2 सीटों पर संतुष्ट करके रह पाएंगे। जी ठीक है, राजेश जी से सवाल रहे थे। राजेश जी, जो 10 तो मान के चल रहे हैं कि चलिए आप जीतेंगे, लेकिन जो 11 उम्मीदवार उतारा जा रहा है वो हार के भी जीत जाएगा, ऐसी चर्चा हो रही है, क्या है इसके पीछे की रणनीति बीजेपी की? देखिए अभिषेक जी, बीजेपी की रणनीति तो साफ है ना कि भाई हमारे जितने भी विधायक हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बिल्कुल संगठित रहते हैं, अनुशासित रहते हैं और अनुशासन के साथ चुनाव में उतरते हैं। और भाई अगर अखिलेश जी की बात है या राहुल जी की बात है तो ये इंडी गठबंधन जो है ये घमंडिया गठबंधन हो गई है। इनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ये तो राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन करते, उस राहुल गांधी जी के साथ जो जिनको समय नहीं है कि अपने प्रतिनिधियों के साथ हम मुलाकात करें और कुत्ते से कुत्तों के बिस्कुट खिलाते रहते हैं। तो आप अगर कार्यकर्ताओं को, भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि जब हमारे जो है कि प्रवास होते हैं, बैठक होते हैं, तो जो भी उनके चीज समस्याएं रहती है सब मिल बैठ करके जो है उसको लोगों को कहते हैं, हमारे जो सीनियर नेता होते हैं कि भाई ये समस्या है, प्रवास होता है, बैठक। इनके में तो क्या है कि ये लोग तो बिल्कुल सोचते हैं कि मैं राजा हूं। तो क्या यही कारण है कि बीजेपी इस चुनाव के जरिए भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि 3 सीटें स्पष्ट है, अगर आप कांग्रेस के समर्थक जो 2 विधायक है वो हटा दे, जेल में जो विधायक बंद है 2 वो हटा दे, जिन 6 विधायकों ने राज्यसभा में वोट किया आप उनको भी हटा दे, उसके बाद भी ब्रूट मेजोरिटी है समाजवादी पार्टी की, आसानी से वो 3 सीट जीत सकते हैं, उसमें कोई दो राय नजर तो नहीं आती है फिलहाल, अब नहीं पता उसके बाद क्या होता है वोटिंग के दिन, लेकिन क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है जैसा कि आप कह रहे हैं गठबंधन को लेकर? नहीं देखिए अभिषेक जी, एक तो इनको अपना तानाशाही रवैया जो है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। ये लोग मंथन तो करते नहीं, जब हारते हैं तो लगेंगे कभी ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, कभी सिस्टम पे सवाल उठा देंगे। इनको अपने अंदर मंथन करना चाहिए, भाई कोई ईवीएम के कारण या किसके कारण आज सुबह सपा क्यों इनसे दूर चली गई? सर वो तानाशाह शब्द को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अकेला चलो की रणनीति अपनी इच्छा से चाहते हो तो आप कह सकते हैं कि तानाशाह है, यहाँ तो सारे सहयोगी दल आपके पास आ गए। नहीं देखिए अभिषेक जी, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता जनार्दन की जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है तो जनप्रतिनिधि उसको सुनते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जमीन पे जाते हैं और जमीन पे वो देखते हैं कि भाई हमको किसके साथ चुनाव मैदान में पुनः उतरना है। तो सभी लोग देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरना ठीक है, कि जनता का ये मांग है अभिषेक जी।
तो जनता जनार्दन की अंतरात्मा को जनप्रतिनिधि सुनते हैं तो कहां वो ठीक करेंगे, क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग होने वाली नहीं है हमारी पार्टी के विधायकों के द्वारा। चलिए आप तो आश्वस्त है, चलिए समाजवादी पार्टी से जान लेते हैं। अजीत जी, साधारण सा एमएलसी का चुनाव लग रहा था, लेकिन अब अचानक से स्थिति जिस तरह से बदली है बीते 10 दिनों के अंदर, उसके बाद अचानक क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव और ये तीनों सीटें जीतना? समाजवादी पार्टी में जितना नुकसान होना था वो हो चुका, और जो एक दो शब्द लाई है बीजेपी, एक अंतरात्मा की आवाज और एक मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि जितने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, दुराचारी कहीं भी हो किसी भी पार्टी में, उनको धमकी ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए दिलवा करके मिलाओ, और भाजपा एक ऐसी वाशिंग मशीन है, सबको साफ करके उनकी गारंटी मोदी ले लेते हैं। तो जितनी टूट फूट होनी थी समाजवादी पार्टी में, राज्यसभा में हुई, लेकिन इस बार जो है इनकी टूट फूट की राजनीतिक दाल गलने वाली नहीं। तो अभी कह रहे थे कि इस बार भी क्रॉस वोटिंग की संभावना है, पहले से ये माहौल बनाया जाता है, डरवाया जाता है विधायकों को, यहाँ फोन किया जा है, दबाव बनाया जाता है, उनके यहाँ भेज दिए जाएंगे ईडी के, सीबीआई के विधायकों को वोट लेने के लिए। लेकिन इस बार जो है, चाहे ये 8 विधायक वोट करें या लेकिन करें, अजीत जी मेरा एक सवाल यह है कि आपके जो खुद के सहयोगी दल थे, जिस तरह से आरएलडी छोड़ के चले गई और दूसरे तमाम दल जो है किनारा करके गए समाजवादी पार्टी से, आज आप कह दीजिए कि ईडी ने दबाव बनाया या तो फिर कोई अलग तरह की जो है उनको फेवर्स किए गए जिसके चलते वो उनके दल के साथ शामिल हो गए, हालांकि उस पर मैं सवाल लूंगा राजेश जी से, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की भी नहीं है कि अपने सहयोगी दलों को अपने साथ रखे, और या फिर ये कि समाजवादी पार्टी के पास कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं अपने सहयोगी दलों को, जैसा कि अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं? ऑफर की बात नहीं है, आप पंतरात्मा की आवाज समझिए ना। मंत्री पद मिला ना रालोद को, और गब्बर सिंह अभी जो है बोले गब्बर सिंह हूँ, और पियरका गमछा रख करके थाने में चले जाओ और बता दो पियरका सफेद गमछा मत रख के जाओ, तो थानेदार उठ खड़ा हो जाएगा, सलूट मारेगा तुमको। इस तरीके की भाषा हो रही है गठबंधन, और ये जैसे भाई साहब कह रहे थे कि गठबंधन केवल विपक्ष का टूट रहा है, महबूबा मुफ्ती टूटी जब कश्मीर में, सेना टूटी इनके गठबंधन से, इनके गठबंधन से गठबंधन नहीं होगी, टूट के आए उधर से टूट करके हमारे गठबंधन में भाजपा से भी आए थे पिछले चुनाव में भाजपा के, तो वो मुद्दा नहीं है। टूट फूट तो चुनाव में होती रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सवालों को लेकर के लोग के बीच जा रही, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को ले लेते हैं, वहां पे हो जाता है, और गारंटी अजीत पवार को पहले आरोप लगाया जाता था कि 70 करोड़ के आरोप है। तो सवाल यह है अजीत जी, क्या सब भाजपा ने नहीं, ठीक है, चलिए आपकी बात को आपकी बात को मान लेते हैं। मेरा ये सवाल है कि जिन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? क्योंकि अब आप अभी आप ये कह रहे हैं कि देखिए जिनको वोट करना था उन्होंने तो कर दिया, अब कोई और नहीं करेगा, अब कल को कोई और कर देता है, तब क्या तब भी यही रवैया रहेगा जो अभी है? समाजवादी पार्टी क्या रवैया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जवाब मांगा, देंगे वो लोग जवाब? ऐसे थोड़ी है कि तुरंत कार्रवाई कर दिया जाएगा, ये वो विधायक है जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही ना कार्रवाई की जा सकती है, और इस बार जो है वो दाल गलने वाली नहीं है राजनीतिक दाल, लेकिन कार्रवाई की बात ठीक है, मान लेते हैं कि इट विल टेक सम टाइम, कोई आपके औपचारिक तरीके से आप कार्रवाई करेंगे। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, जब अखिलेश यादव जी से इस बारे में पूछा गया था तो उनका यही आंसर था कि साहब हम क्या कर सकते हैं, वहां से पैकेज मिल रहे हैं, वहां से दबाव बनाया जा रहा है, तो ये आंसर ही अपने आप में साबित करता है कि कितना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर। सहयोगी दल आपके, उन्होंने भी हिमाचल में जब क्रॉस वोटिंग हुई इस पे कार्रवाई की, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ले रही? आपने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का। हरियाणा चुनाव में ईवीएम की बात कर रहे थे, हरियाणा चुनाव में चुनाव अधिकारी किस तरीके से
देखे होंगे कैमरे के सामने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, बात लंबी हो जाएगी। जब इस तरीके से चुनाव जिता दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर ऑर्डर करना पड़ रहा, पहली बार इतिहास में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंडिडेट नहीं जीता था उसको जो है फिर से पद पे मेयर के बैठाया। तो इस तरीके से लूट, जहां सरकारें बिहार में देखे किस तरीके से सरकार, किस तरीके से खरीद फरोख करके सरकार गिरा दी गई, महाराष्ट्र में वही हाल हुआ, एमपी में वही हाल हुआ। ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं अजीत जी, वाचस्पति जी के साथ आना चाहूंगा। वाचस्पति जी, कांग्रेस ये कह रही है कि आजकल लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है, संविधान को धता बताया जा रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। लेकिन यही संविधान तो हमें अधिकार भी देता है ना कि अगर एक नेता जो है वो अपने हिसाब से, अंतरात्मा जो शब्द का लगातार इस्तेमाल किया जाता है, वो तय कर सकता है कि वो किसको वोट देना चाहता है, तो वो तो संविधान के अनुरूप ही है। भली हो सकता है कि व्यक्ति पार्टी के शायद खिलाफ हो। वाचस्पति जी, जी सर, जी सर, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया या फिर मैं दोहरा दूं? आपको आवाज मिल रही है सर? जी जी, स्पष्ट है, बोलिए। हाँ जी जी, जहां तक विधान परिषद का चुनाव की बात है, ये निश्चित रूप से आप मानिए कि तीनों सीटें सपा जीतने वाली है, कोई क्रॉस वोटिंग अब होने वाली नहीं है, क्योंकि चुनाव, आम चुनाव के बाद यानी लोकसभा के चुनाव के बाद इनकी सरकार आने वाली नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं आएगी, तो इनका जितना भी लालच और ये जो चीज लिवरमेंट होता है वो नहीं मिलेगा, कोई भी किसी प्रकार की कोई ईडी सीबीआई और इस प्रकार की रेट नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से सवाल था आपसे, अगर पार्टी की नीतियों से खुद पार्टी के नेता ही अगर खुश ना हो तो क्या वो अपने वोट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर सकते, या फिर अपना समर्थन उस व्यक्ति को जाहिर नहीं कर सकते जो उनको लगता है कि वो क्रेडिबल है? हेलो जी वाचस्पति जी, सवाल दोहरा जी, क्या पार्टी के नेता अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते? मेरा ये सवाल है, अपने वोट के जरिए, वो भी संविधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप, उसे अलोकतांत्रिक क्यों बता दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा? चलिए, मैं अपनी टीम से कोशिश करूंगा फिर से जुड़ने की। चलिए ठीक है, वाचस्पति जी आपके पास वापस आऊंगा मैं, टीम एक बार देखें कि उनके ऑडियो में क्या इश्यू आ रहा है। चलिए राजेश जी, सवाल वही है जो अजीत जी आरोप लगातार लगाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये आरोप रहा है कि हमेशा उनकी पार्टी के नेताओं को या विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लाने के लिए जो है पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर दूसरे दलों के नेता या दूसरे दल आपके साथ आना चाहते हैं, वह दूसरी तरफ विपक्षी दल कहते हैं कि आपकी तरफ से जो इमरतियाँ परोसी जाती हैं, हाल फिलहाल में जो कैबिनेट विस्तार हुआ वो भी उसका एक उदाहरण कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए अभिषेक जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भाई हम लोग जब चुनाव में या तो हारते हैं या तो सीखते हैं, तो हम लोग सीखते हैं, इन लोग सीखते नहीं है। कोई चुनाव अगर ये हारते हैं या इनके नेता इनसे दूर जाते हैं, इनके गठबंधन के लोग इनसे दूर जाते हैं, तो ये ब्लेम गेम की राजनीति करते हैं, ये उस पर आत्ममंथन नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते कि भाई क्यों हम उनको समय नहीं देते हैं, क्यों उनको अभी हम क्यों राजाओं की तरह हम उनको यूज करते हैं, या एक कुर्सी हम अपना लगा करके और बाकी लोगों को हम समझते हैं कि ये बहुत तुच्छ लोग हैं। इस प्रकार का जो इनका व्यवहार होता है, ये जो घमंडिया व्यवहार है ना, ये जो तानाशाही रवैया है, इस पे इनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस पे तो ये चिंतन मंथन करते नहीं है, ये दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि भाई भारतीय जनता। ये बताइए कि कांग्रेस में हमेशा वर्टिकल डिवीजन हुआ है, और जितना भी डिवीजन है उस समय क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, आदरणीय अमित शाह जी थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या डिवीजन क्या आज जो है, चाहे वो ममता जी कहां थी पहले कांग्रेस में ही थे ना, शरद पवार जी कहां थे कांग्रेस, कितने डिवीजन हो चुके कांग्रेस में, तो क्या भारतीय नहीं, वो तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर आपसे आज बात करूं तो जिस तरह से दारा सिंह चौहान घोसी में चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद उन्हें आप कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, कितने तो मंत्री ऐसे उत्तर प्रदेश में जिनके पास मंत्री पद है पर उनके विभाग का कुछ आता पता नहीं है। खैर, तो मेरा सवाल है क्या एमएलसी के चुनाव में भी क्या कई ऐसे उम्मीदवार हैं आपके सहयोगी दलों के जिन्हें आप उतारने जा रहे हो, अगर उतार रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ये तो देखिए हमारा संगठन है, हमारा नेतृत्व है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, तो हमारे यहाँ तो संगठन है ना,
हम लोग तो संगठनात्मक, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया सर, में ओपी राजभर जी तो दो महीने से न्योता बांटते फिर रहे अपने मंत्री बनने का। नहीं, जीतना हारना तो अभिषेक जी एक दूसरी बात है ना। हमने कहा ना, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, या तो हम जीतते हैं या तो सीखते हैं। ठीक है, तो हमको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जब दो पार्टी थी तब भी हमारे जो विचारधारा थी देश हित की। ठीक है, ठीक है, समय बहुत सीमित है। अजीत जी, मैं एक आखिरी जरूरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को लेकर एक विक्टिम कार्ड खेलती रहती है कि वो उन्हें पैकेज देते हैं, वो उन्हें डराते धमकाते हैं, पर एक राज्य के सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में, और क्योंकि आप खुद कहते हैं कि अखिलेश यादव एक बहुत ताकतवर नेता है, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि अपने सहयोगी दलों को अपने साथ रखें, उनकी उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी समाजवादी पार्टी स्थान दे? एक ये पाखंडिया गठबंधन नहीं बताएगा कि हमारे पास से भी जो है सहयोगी दल टूट के गए। मेरा जवाब अजीत जी से था, उसका जवाब नहीं दिए। और मोदी की गारंटी को भी मैंने बताया कि चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा को फिलहाल यहीं पर विराम देना होगा। एमएलसी की इस लड़ाई में 21 तारीख को वोटिंग होगी और जाहिर तौर पर नंबर्स तो ये बता रहे हैं कि आंकड़ा जो सीटें हैं वो काफी स्पष्ट है दोनों दलों के बीच, लेकिन वोटिंग के दिन स्पष्ट होगा कि कौन से नेता अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, क्या क्रॉस वोटिंग होती है कि नहीं, ये भी उसी दिन स्पष्ट हो जाएगा। और क्या एक बार फिर से राजनीतिक जो जवाब और सवाल जवाब चलते रहते हैं इन दलों के, एक और मौका मिल जाएगा यहाँ पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर हमला करने का, या फिर कुछ नया खेल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।